وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا एक सलावात पढ़ लें बाबा जी। इरशाद हो रहा है मेरे हबीब, इन्ना अरसलना का शाहिदन, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, जन्नत की बशारत देने वाला बनाकर भेजा, अजाब जहन्नुम से डराने वाला बनाकर भेजा, वह सिराज मुनीरा, और ऐ मेरे हबीब हमने तो आपको एक रोशन चिराग बनाकर भेजा। मैंने मुसलसल इस आय मुबारका के ज़िम्न में जो मारूजात पेश किए वो यकीनन आपके अजहान आलिया में महफूज होंगे। कल बात यहाँ तक पहुँची थी या अय्युह नबियो इन्ना अरसलनाका, ऐ नबी हमने आपको भेजा। इरसाल के माना है भेज देना, और आपके जहन में ये बात होगी कि मैंने अर्ज किया था कि जहाँ लफ्ज़ इरसाल आता है, जहाँ लफ्ज़ भेजना आता है, लफ्ज़ इरसाल की खसूसियत ये है कि वो ज़रा दूरी को चाहता है, फासले को चाहता है। तवज्जो फरमा रहे हैं मेरी बात पे? मसलन आपने ख़त इरसाल किया, खत को लेकर जेब में रखे रहें इरसाल नहीं होगा, जब तक कि उसे लिख कर अपने से जुदा करके लेटर बॉक्स के थ्रू दूर नहीं करेंगे उस वक्त तक लफ्ज़ इरसाल सादिक नहीं आएगा। या मुझे बुलाने के लिए आदमी भेजा, आदमी अगर आप ही के पास बैठा रहे तो भेजने का लफ्ज़ सादिक नहीं आएगा। जब तक आपका पैगाम लेकर आपसे जुदा होकर लाहौर तक का फासला तय करके मुझ तक न पहुँचे उस वक्त तक भेजने का लफ्ज़ सादिक नहीं आएगा। मेरी बात पे गौर है? उर्दू दान तबके के लिए एक लफ्ज़ मैं कहता हूँ कि आप दूर न करें और फिर कहें भेजा, तो मेरे भेजे में नहीं आएगा। एक सलावात पढ़ दें मिल के बाबा जी। अब गुज़िश्ता तकरीरों का खुलासा यही है, पहले कुर्बत होगी फिर दूरी होगी, पहले करीब करेंगे और फिर लिखकर दूर करेंगे। क्यों भाई, पहले कुर्बत होगी या दूरी? कुर्बत होगी। करीब रहने को अरबी में कहते हैं विलायत, दूर भेजने को कहते हैं रिसालत। अल्लाह पहले किसी को वली बनाता है फिर रसूल बनाकर भेजता है। तवज्जो चाहता हूं, देखिए ना अजीजों, जितनी कुर्बत ज़्यादा होगी यानी जितनी विलायत ज़्यादा होगी
उतनी ही दूरी और रिसालत ज़्यादा होगी। बड़े गौर से सुनिएगा। और अगर कुर्बत इतनी हो जाए कि फिर कुर्बत की कोई गुंजाइश बाकी न रहे तो रिसालत उसी पे ख़त्म हो जाएगी। सलावात पढ़ें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो नज़र आते हैं, हमसे फासला दूरी या कुर्बत तो समझ में आती है, ये रसूल की अल्लाह से जुदाई दूरी और फासला इसके क्या माना है? अगर आप तवज्जो करें तो मैं माना अर्ज करूं। आप जो भी इबादत करते हैं उस इबादत में एक नियत करते हैं। नमाज सुबह पढ़ता हूं दो रकात वाजिब कुर्बतन लिल्लाह, जकात देता हूं कुर्बतन लिल्लाह, रोजा रखता हूं कुर्बतन लिल्लाह, हज करता हूं कुर्बतन लिल्लाह, इस कुर्बत के क्या माना है? क्या नमाज से पहले आप और अल्लाह के दरमियान 100 मील का फासला था कि नमाज के बाद 50 ख़त्म हो गए और 50 करीब हो गया? गौर कीजिएगा। क्या हज करने से पहले उसके और आपके दरमियान 10 मील का फासला था या 10,000 मील का फासला था कि हज के बाद आधा ख़त्म हो गया आप करीब हो गए? क्या माना है इस कुर्बत के? क्या माना है? आप कुर्बत समझें फिर दूरी समझ में आएगी। अल्लाह नाम है कमाल मुतलक के नुक्ता अव्वल व आखिर का। कमाल मुतलक का नुक्ता अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है। जब आप इबादत करते हैं तो आप नकायस से दूर होते जाते हैं, नुक्ता कमाल के करीब होते जाते हैं। नमाज पढ़ते हैं फाहशा और मुनकर से दूर होते जाते हैं, नुक्ता कमाल के करीब होते जाते हैं। तो ये जिस्मानी दूरी या कुर्बत नहीं है, ये सिफाती दूरी और कुर्बत है। बंदे और अल्लाह में कितनी दूरी है अब इस दूरी का आप खुद अंदाज़ा कर लें। वो अस्तकुस सादिकीन है, वहाँ सच ही सच है, बंदे में झूठ ही झूठ है। तो अल्लाह और बंदे के दरमियान इतना फासला है जितना सच और झूठ के दरमियान होता है। वो अमीन ही अमीन है, हमारे यहाँ खयानत ही खयानत है, तो इतना फासला है जितना अमानत और खयानत में होता है। इस फासले को तय करके जो आता है उसे कहते हैं रसूल। मिलके सलावात पढ़ें। नहीं अजीजों, बात हो गई पेचीदा। हो सकता है नौजवान बच्चे कहें कि जनाब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे और इनके जहनों के करीब कर दूं। लफ्ज़ रसूल और इरसाल, इसी से एक लफ्ज़ बनता है जो आपके उर्दू में मुस्तमल है, रसलो रसाइल। रसलो रसाइल कम्युनिकेशन के जो ज़रिए हैं वो ज़राए रसलो रसाइल कहलाते हैं। मसलन रेडियो है, वायरलेस है, टीवी है, सबसे बड़ा ज़रिया टेलीफोन है, ये रसलो रसाइल के ज़रिए हैं। मेरी बात पे गौर है। सबसे बड़ा जो ज़रिया है आजकल रसलो रसाइल का वो टेलीफोन है। अब नौजवान बच्चों को समझाने के लिए मैं और करीब किए देता हूँ बयान को। तवज्जो कीजिएगा।
फ़र्ज कीजिए बुखारी साहब, नाज़िर बुखारी भाई मेरे सामने बैठे हैं, मैंने इनको फ़ोन किया, इनका कौन बोल रहा है? मैंने कहा नसीम बोल रहा हूँ, मेरी मजलिस में आप आ रहे हैं कैमलपुर? मैंने कहा आऊँगा। इन्होंने फरमाया कि नाश्ता फिर मेरे पास करना। मैं मिसाल दे रहा हूँ, हाँ ये ना समझ लीजिएगा कि दावत ले रहा हूँ नाश्ते की। सुबह सुबह आइएगा। इन्होंने बुलाया सुबह सुबह, मैं पहुँच गया 2 बजे के करीब। इनका आप अजीब आदमी है, हमने बुलाया था सुबह 8-9 बजे, आप आ रहे हैं 2 बजे, नाश्ते पर बुलाया था, ये तो खाने का टाइम है। मैंने कहा नहीं, आपने खाना कहा था। इनका नहीं, मैंने नाश्ता कहा था। मैंने कहा नहीं, खाना कहा था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब मैं इन्हें झूठा भी नहीं कह सकता। मैंने कहा हो सकता है आपने कहा हो नाश्ता, इस टेलीफोन ने मुझे सुना दिया खाना। तवज्जो, उनका भाई ये रसलो रसायल का ज़रिया है, अपनी तरफ से तो कुछ कहता नहीं, ये बोलता नहीं जब तक मैं ना बोलूं। ये तो बात नहीं करता जब तक मैं बात ना करूं। मैंने कहा हो सकता है भूल गया हो। भाई अब जहन में बात आ रही, इससे ज्यादा आसान क्या करूं। मैंने कहा हो सकता है भूल गया हो। उनका इसके भूलने का सवाल ही नहीं है। अगर ये भूलने लग जाए और हार्ट लाइन पर सुपर पावर्स का आपस में राबिता ना हो, अभी एटमी जंग छिड़ सकती है। मेरी बात पे गौर कीजिए। मैंने कहा क्यों नहीं भूल सकता? कि इसके अंदर है करंट। मैंने कहा करंट किसे कहते हैं? कि बिजली की एक हल्की सी लहर। वो जो बिजली की लहर है ना, नूर का करंट, न इसे भूलने देता है न भटकने देता है। क्योंकि रसलो रसायल बगैर नूर के कनेक्शन के काम ही नहीं करता। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि अल्लाह और बंदे के दरमियान जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा ज़रिया है वो कहलाता है रसूल। तो वो भी मुजस्सम नूर होगा, उसमें ना सहव आ सकता है, ना निसियान आ सकता है, ना हिजियान आ सकता है। मैंने कहा बुखारी साहब बड़ी अच्छी शय है ये तो भाई, मुझे भी ले दें। इन्होंने मुझे बिल्कुल उसी तरह का जैसा इनका था एक टेलीफोन मुझे ले दिया। मैंने ले जाकर अपने देहात की छपरी में रख दिया। गौर है, इतने में ये तशरीफ लाए कि मैं टेलीफोन कर लूं घर। मैंने कहा कर लें। इन्होंने डायल घुमाया घुमाया घुमाया, कहने लगे ये तो क्या कबाड़ खाना रखा है। मैंने कहा क्यों? कि इसमें कनेक्शन तो है ही नहीं। मैंने कहा कनेक्शन वनेक्शन तो मैं नहीं जानता, है बिल्कुल वैसा जैसा आपका। डायल देख लें, नंबर देख लें, तारें देख लें, बिल्कुल उस जैसा है। उनका उस जैसा होने से काम नहीं चलता जब तक मरकज से कनेक्शन नहीं होगा। वहीं से मेरी समझ में बात आई। लाख मौलवी कहता रहा मैं रसूल जैसा, मैं रसूल जैसा, मैं रसूल जैसा। वो टेलीफोन है जिसमें मरकज का कनेक्शन नहीं है। रसूल वो टेलीफोन है अल्लाह का, रसूल रसायल का ज़रिया, जिसमें वही का कनेक्शन है और इस्मत का करंट है।
मैंने कहा जाना मुझे कनेक्शन ले दो मरकज से। इन्होंने कनेक्शन ले दिया। जैसे ही कनेक्शन मिला, एक इतनी मोटी किताब भी साथ आ गई। तवज्जो है ये नहीं। मैंने कहा ये क्या है कि डायरेक्टरी है, इसमें तमाम हिदायात हैं। मैंने उसको खोला तो तीन जगह लिखा था हेलो हेलो हेलो, और तीनों पर कांटे लगे हुए थे। तवज्जो है ये नहीं। और नीचे लिखा हुआ था कि ये जम्हूरिया इस्लामिया है, जैसे ही कनेक्शन मिले, नंबर मिले, हेलो हेलो मत करना, अब कहो अस्सलामु अलैकुम। तवज्जो है ये नहीं। अस्सलामु अलैकुम। मैंने कहा सिर्फ मैं करूँ या आप भी करते हैं? उनके जनाब हम भी जब कनेक्शन मिलता है पहले कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, मौलाना भी यही कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, मुफ्ती साहिबान भी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, खाकी भी करते हैं सलाम, नूरानी भी करते हैं सलाम। मैंने कहा ये मसला फिर समझ में नहीं आया। मैं बैठा हूँ पिंडी में, बात हो रही है कैमलपुर में, तो ये गायब पर सलाम कैसे पहुँच गया? तवज्जो है या नहीं। ये तो कहते हैं सलाम पहुंचता नहीं जब तक हाजिर नाजिर ना हो, तो ये गायब पर कैसे सलाम पहुंचा? उनका जनाब ये उस नूर का कमाल है जो टेलीफोन के तारों में दौड़ रहा है। तवज्जो। मैंने कहा अच्छा कनेक्शन कैसे मिलेगा? उनका डायल घुमाओ। मैं उनका डायल माथे से घुमाऊं, घुटनों से घुमाऊं, कोहनी से घुमाऊं? इनका ना, नंबर पे उंगली रखो, उंगली घूमती जाएगी, कनेक्शन मिलता जाएगा, सलाम पहुंचता जाएगा। एक बच्चे ने कहा देखा हमारी साइंस का कमाल। हमने कहा तुम्हारे साइंस के बाप को भी पता नहीं था कि किस तरह कनेक्शन मिलाया जाता है सलाम के लिए। दुनिया हम पे एतराज करती थी, ये नमाज के बाद क्यों उंगली उठा लेते हो और क्यों कहते हो अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्ला, अस्सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा, फिर उंगली घुमा देते हो, फिर अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अब दुनिया को क्या बताएं? हमने 1400 साल पहले, हमारी फिकह ने दुनिया को बताया कि सलाम कैसे पहुंचता है। ये बज़ाहिर उंगली घूम रही है, ये उंगली नहीं घूम रही, ये हमारे दिल के मवद्दत अहले बैत के टेलीफोन का डायल है जो उंगली घुमा घुमा कर सलाम को पहुंचा रहा है, कनेक्शन मिल रहा है। कभी करबला मिलता है, कभी मशहद मिलता है, कभी सामरा मिलता है, कभी नजफ मिल जाता है। तवज्जो है ना साहिबान। तो ये दुनिया को शरीयत मुतहरा ने समझाया, बशर्ते के नूरानी कनेक्शन हो आपके पास और रिसीविंग सेट हो उधर जिधर सलाम पहुंचा रहे हैं आप। अगर रिसीविंग सेट नहीं होगा तो सलाम भी नहीं पहुंचेगा। फिर गौर कीजिए। बास कहते हैं जी हम क्यों सलाम करें, ना हम या रसूल अल्लाह को सलाम करेंगे ना गरीबुल गुरबा को करेंगे। तो हम समझ लेते हैं ये बेचारे इसलिए सच्चे हैं कि कनेक्शन ही कटा हुआ है। तवज्जो है ये। अगर कनेक्शन होता तो या रसूल अल्लाह को सलाम करते ही फौरन जवाब आता। इसलिए कि जहां नूर का कनेक्शन मुत्तसिल होता है वो खैबर में पुकारता है और मदीने में सुनने वाला सुनता है। मिलके सलावात पढ़ लें।
अब फिर दुनिया हमसे पूछती है कि ये नूर का कनेक्शन कहां से मिलता है। तवज्जो है। हमने कहा बैटरियों से भी मिलता है, उसमें नूर बंद है, और कहीं से ना मिल सके तो अल्लाह दीन से मिल जाएगा बैटरी के सेल। मेरी बात पे गौर है नहीं? और अगर ये भी नहीं मिलता तो वापडा से मिल जाएगा। मैंने कहा वापडा से? क्या? हाँ। और वापडा के पास नूर कहाँ से आता है? उन्होंने कहा मंगला डैम से, तरबेला डैम से। मैंने इनसे गुजारिश की कि मुझे भी ज़रा मंगला डैम की सैर करा दो, मैं भी देखूं नूर कैसे चलता है वहाँ से। ये मुझे ले गए तो वहाँ मंगला डैम के करीब ही एक बंगले में ठहराया मुझे इन्होंने। वो था बड़े एक नफीस आज़ादार सैयद का, आगा सरदार अली जान। मेरी बात पे गौर है? और एक बहुत बड़ा खंभा, लाखों किलोवाट नूर उस खंभे से गुजर रहा था। मैंने कहा ये तो नूर का मरकज है भाई। उसके नीचे जिस कमरे में मैं ठहरा हुआ था वहां अंधेरा। पहले तो मैं ये सोच में पड़ गया कि मरकज़े नूर के पहलू में अंधेरा। हाँ? ये क्यों? इन्होंने कहा कि इनको कनेक्शन नहीं दिया वापडा ने। तवज्जो है या नहीं? अरे मैंने कहा ये ऊपर से गुजर रहा है, तार खींच लो। उनका नूर है पावरफुल, तार खींचेंगे ना तो रेडियो भी फ्यूज हो जाएगा, टीवी भी उड़ जाएगा, बल्ब भी फ्यूज हो जाएंगे। लिहाजा दरख्वास्त देनी पड़ेगी, पहले लगेगा ट्रांसफार्मर। मैंने कहा ट्रांसफार्मर क्या होता है? कि ये लाखों वोल्ट लेता है और जिस जिस की जितनी डिमांड है उतना तकसीम कर देता है। अल्लाह ने भी इसी तरह समझाया, मैं हूं मरकज़े नूर, डायरेक्ट लोगे फ्यूज हो जाओगे। सब कुछ उड़ जाएगा, पहले लगेगा रिसालत का ट्रांसफार्मर। मेरी बात पे गौर है या नहीं? और रिसालत के ट्रांसफार्मर का क्या फायदा है? वो अल्लाह से लाखों वोल्ट का इल्म लेता रहेगा और सहाबा की डिमांड के मुताबिक देता रहेगा। जितना जितना जिसका ज़र्फ होगा उतना ही वो तकसीम करता चला जाएगा। मेरी बात पे गौर है साहब? और आसान कर दूं, सलावात पढ़ दें। ये मस्नूई नूर है, लेकिन ये मस्नूई नूर भी इतना पावरफुल है कि अपने मरकज से जब हिजरत करके पूरे मुल्क में पहुंचा तो लंबे लंबे खंभों के कांधों पर बैठा हुआ। तवज्जो है ना साहिबा? और जब ये चला था मरकज से तो ओपन वायर में था, खुले हुए तारों में, और जब डोमेस्टिक अफेयर्स के लिए घरों में पहुंचा तो उस पर ये चढ़ गया, क्या कहते हैं इसे, इंसुलेशन। मुझे चूंकि अरबी इंग्लिश विंग्लिश आती नहीं इसलिए बताते रहिएगा, इंसुलेशन। अब सारे मौलवी पकड़ लें साइंसदानों को कि हमें चक्कर देते हो, जिस तरह ओपन वायर में आया था घरों में लगा ओपन वायर में।
ये क्या चढ़ा दिया तुमने? उसने कहा ये नूर का मसला है, है पावरफुल, तवज्जो है या नहीं? अगर ओपन वायर में होगा जो हाथ लगाएगा चिपकेगा मर जाएगा, इसलिए उसके ऊपर ये कवर चढ़ा दिया ताकि हाथ भी लगता रहे, नूर भी मिलता रहे, जीते भी रहो। तवज्जो है या नहीं? तो अल्लाह ने भी इसी तरीके से जब नूर अव्वल को भेजा, ओपन वायर में था, ओपन वायर में था, लेकिन तूर पे टच हो गया, करंट लगा, मूसा बेहोश हो गए, सारा तूर जल गया। अगर उसी तरह ओपन वायर में असली हालत में आ जाता, एक भी सहाबी ना मिलता, सबके कब्रिस्तान नजर आते, जो हाथ लगाता चिपकता अल्लाह को प्यारा हो जाता। इसीलिए उसने उस पर बशरियत का कब्र चढ़ा दिया। तवज्जो है या नहीं है? ताकि मुसाफा भी करते रहो, मरने भी ना पाओ। मेरी बात पे गौर कीजिए अजीजो, ये आप देख रहे हैं ना, नजर आ रहा है ना, ये देखने में एक है, चीर के देखो अंदर से दो हैं। इसलिए कि नूर की खूबी यह है, खसूसियत क्या है, चाहे मसनू क्यों ना हो, नूर उस वक्त तक सफर नहीं करता जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता। सर्किट कंप्लीट तब होता है जब दो हों। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझा सका। देखिए ना, मेरी नाक एक है, माथा एक है, सर एक है, आंखें दो हैं। ये दो आंखें क्यों बना दी भाई? इसमें है नूर। नूर जब सफर करता है दो हिस्सों में तकसीम होके चलता है। तवज्जो है या नहीं? अब तो लोग आंखों का ऑपरेशन कराकर मस्नूई आंखें लगवा लेते हैं, तो आप कहेंगे जनाब वो मस्नूई भी तो आ जाती है, मगर एक है असली, एक है नकली। मेरी बात पे गौर कीजिए। अब असली के बिल्कुल पहलू में है नकली। आपने मुझे एक कार्ड दिया दावतनामे का कि जरा पढ़ना, वो आया उस तरफ जिधर वो नकली था, फौरन उसने पकड़ा दिया असली की तरफ। असली ने पढ़ दिया, नकली की इज्जत बच गई। तवज्जो है या नहीं? असली ने पढ़ दिया, नकली की इज्जत रह गई। तो उसके करीब जो बैठा था ना, ये मेरा कान ये सुन रहा था, वो नकली असली से कह रहा था, अगर तू ना होता तो मैं हलाक। अच्छा, अब मैंने पूछा ये जो दो हैं इसके अंदर ये क्या क्या हैं? उनका एक है प्लस, एक माइनस। मैंने कहा भाई ये मसला मेरी समझ में नहीं आया। उसने कहा एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। मैंने कहा आपने और मुश्किल कर दिया। बुखारी साहब ने कहा मैं अपनी जबान नहीं समझावा तेनू। मैं कहा समझाओ कि एक तारे गरम, एक है ठंडा। तवज्जो है या नहीं? इसी तरह अल्लाह ने भी समझाया, जब नूर अव्वल को बनाया वो देखने में एक था, अंदर से दो थे, आधा ठंडा आधा गर्म। जो ठंडा था उस पर लिखा कुदरत ने वमार सलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जो गर्म था उस पर मोहर लगाई ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मिलके सलावत पढ़ दें एक दफा।
तवज्जो है ना साहिबान, आधा ठंडा आधा गर्म। इसीलिए एक तार बन गया ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बन गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बात पे गौर कीजिए। तो आपने कहा भाई यही तो हम भी कहते हैं कि जब दो तार हैं तो कलमे में भी दो ही तार होने चाहिए, एक ला इलाहा इल्लल्लाह एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। मगर पूछिए जरा वापडा वालों से कि थ्री फेस क्या होता है। तवज्जो है या नहीं? देखिए आम करंट तो आसानी से मिल जाता है, थ्री फेस बड़ी मुश्किल से मिलता है। जी हाँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। तवज्जो है साहिबा? इसीलिए अल्लाह ने कहा था मेरे हबीब उस वक्त तक ऐलान न करना अपनी नूरी रिसालत का जब तक दूसरा ना आ जाए। दो तार मिलेंगे तो रोशनी पावरफुल होगी। तवज्जो है या नहीं? और जब दूसरा तार पहुंच गया, रसूलुल्लाह ने पूछा या अल्लाह ये दूसरा तार कहां से आएगा कि मैं कहीं और से थोड़ी दूंगा, अपने घर से दे दूंगा। और जब घर से मिल गया, अब इरशाद हुआ वंजिर अशीरतकल अकरबीन, अब जरा अपने अकरबीन को डराओ। दूर वालों से बाद में बात करना, पहले जितने अकरब हैं सबको इकट्ठा करो। और रसूल ने सारे अकरब जमा कर लिए, ऐन वाले भी अलिफ वाले भी। ऐन वाले अकरबीन में अबू लहब साहब भी बैठे हैं, अलिफ वाले अकरबीन में जनाब अबू तालिब भी बैठे हैं। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। और पैगंबर ने ऐलाने रिसालत करते हुए इरशाद फरमाया लकद जेतुकुम बिखैरी दुनिया वल आखिरा, मैं तुम्हारे लिए दीन और दुनिया की फलाह लाया हूं। मनिल्लजी युवाज़िरुनी फी हाज़ल अम्र, कौन है जो इस मुकद्दस काम में मेरा साथ दे, और जो मेरा साथ देगा यकूनु अखी व वजीरी व मुशीरी व खलीफती, मेरा भाई होगा, मेरा मुशीर होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा वसी होगा, अल्लाह का वली होगा। तवज्जो है या नहीं? तो मुस्लिम गैर मुस्लिम मौर्रखीन ने मिल के एक ही फिक्रा लिखा है कि अ पिन ड्रॉप साइलेंस फेल अपॉन द होल असेंबली अंटिल अली द यंगेस्ट ऑफ ऑल देम क्राइड आउट विद ज़ील हिज कमांड। सब खामोश बैठे रहे, जो सबसे छोटा अली उठा और उसने कहा ओ होली प्रॉफिट आई विल हेल्प यू, अना नासिरो का या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा। वह अशहदो, और मैं गवाही देता हूं अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मैं गवाही देता हूं अशहदो बे अन्ना का रसूलुल्लाह, कि आप ही अल्लाह के मुकद्दस रसूल हैं। जब अली ने ये फिक्रे कहे तो अब पैगंबर ने कहा अशहदो, फिर मैं भी गवाही देता हूं बे अन्ना का वसी व वलीउल्लाह, तू मेरा वसी है अल्लाह का वली है। मेरी बात पे गौर है या नहीं? अब भी किसी की समझ में नहीं आया
कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह ही को तो कलमा कहते हैं ना। सबसे पहले ये कलमा निकला है मेरे मौला अली की जबान से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पैगंबर ने नहीं कहा, पैगंबर ने तो कहा दीनों दुनिया की फलाह लाया हूँ। अली ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब लोग पूछते हैं ये अलियुन वलीउल्लाह कहाँ से आ गया, तो पलट के पैगंबर ने कहा फिर मैं गवाही देता हूँ अलियुन वलीउल्लाह। तो जिस जुमले पर एतराज़ है ये निकला है रसूल की ज़बान से, और जो अली की ज़बान से निकला उस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो ये कितना बड़ा हादसा है कि जिस चीज़ की अनाउंसमेंट मेरे मौला अली ने की उसे सारी दुनिया पढ़ती है, और जिसका ऐलान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया उसे सिर्फ हम पढ़ते हैं। तवज्जो है ना साहिबान, बात फिर वही आती है कि भाई जब दो तार हैं तो कलमे में भी दो होने चाहिए, ये तीसरा कैसे? तो जो थ्री फेस होता है उसमें तीसरा तार किस शय का होता है? तवज्जो रहे, अर्थ। ठीक है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर अर्थ लगा रहता है, क्यों? ताकि अगर बिजली गिर जाए या किसी का हाथ छू जाए तो करंट से मरने ना पाए, मकान जलने ना पाए, अर्थ उसे जज्ब कर लेती है। तवज्जो है या नहीं? अर्थ कहते हैं जमीन को इंग्लिश में, अरबी में इसे कहते हैं तुराब। मेरी बात पे गौर किया? तो अब लाजिम है कि कलमे में भी ये तीन तार हों, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर जहन्नम के करंट और उससे जलने से बचना है अबू तुराब का अर्थ लगाओ अलीन वलीउल्लाह। मेरी बात पे गौर है साहब? मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने कहा कि अखरबीन को डराओ, पैगंबर ने सारे अखरबीन इकट्ठे कर लिए। अब जरा मुअर्रखीन से मैं पूछता हूँ कि उनमें कौन कौन आया। भाई बड़े गौर से सुनिएगा, सादा सादा बातें हैं मेरी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे कुरान और हदीस की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। ये ना समझिएगा कि जनाब ये तो वो बातें करता है जो हमारे दिल में भी है, तो अब इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इसे कहते हैं सहले मुमतने, मुश्किल तरीन कलाम की किस्म ये है कि लोग समझें कि बड़ी आसान बात कर रहा है, करना चाहे तो ना कर सके। गालिब ने भी यही कहा था ना, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। सलावात पढ़ लें एक दफा। एक दफा फिर सलावात पढ़ लें। तो ये बेसते नबवी, पैगंबर की बेसत का पहला दिन है, और जितने औलाद अब्दुल मुत्तलिब है सारी इकट्ठी है वहाँ। मेरी बात पे गौर कीजिए, मैंने मौरखीन से पूछा कौन कौन आया, उनका सारे ही आए। ख़वातीन में कौन कौन है? उनका हुजूर की फूफी भी हैं जनाब सफ़िया, तवज्जो रहे, फातिमा बिनते असद भी हैं, और अजीब बात यह है कि एक छोटी सी बच्ची भी बैठी है। क्या उम्र है? कि 6-7 महीने। भैया कौन है? कि रसूल की बेटी है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ये बच्ची क्या समझेगी यहाँ
उसने कहा चाहे कोई समझे या ना समझे, चूंकि अकरबीन को बुलाया गया है ये अकरबीन में शामिल है, लिहाजा इसका होना ज़रूरी है। अब मैंने फिर उलमा से पूछा जिसका आज तक जवाब नहीं मिला, ये 6 महीने की बेटी तो मौजूद है, ज़रा मुझे ढूंढ के दिखाना कहीं इसकी बड़ी बहनें भी हैं। तवज्जो है ये नहीं, तो आज तक तो किसी को नजर आई नहीं बड़ी बहनें। अच्छा चलो बहनें नहीं हैं, इनकी माँ भी है इनमें, जनाबे खदीजतुल कुबरा, आज तक वो भी नजर ना आई। उनका जी वो नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं है, कि चूंकि वो बीवी है, बीवी अकरबीन में नहीं होती। अल्लाह आपकी ठंडक का खात्मा करे, मेरी दुआ है। तवज्जो है या नहीं है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि जनाब फातिमा और जनाब अमीरुल मोमिनीन के फजाइल को घटाने के लिए जितने मफरूजे तैयार किए गए वो टाइम फैक्टर की कसौटी पर आज तक पूरे नहीं उतरे। तवज्जो कीजिएगा कि जी एक बेटी थोड़ी थी, 4 थी। अब इस पर तो बड़ी बड़ी किताबें आ गई हैं, बड़े बड़े उलमा ने इस पर बहसें की हैं। तवज्जो है या नहीं है। मुझसे भी ये सवाल किया गया था इसी मजलिस में यहीं बैठे हुए कि जी बनाते रसूल के मुतल्लिक कुछ आप कहें, तो भाई मैं कोई बड़ा आलिम तो हूँ नहीं, मैं तो इत्ता सा तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्माना नज़र डालकर अगर मैं बताऊँ तो आप सुनेंगे गौर से, सलावात पढ़ें। अच्छा देखिए अब ज़रा एक थोड़ी सी मेरी मेहनत है और एक हिसाब किताब का काम है, कैलकुलेशन वर्क है, ज़रा गौर से सुन लीजिए आप। जाग के सुनें तो मैं अर्ज़ करूं वरना ख़त्म करूं। देखिए जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा से पैगंबर की जब शादी हुई, तवज्जो कीजिएगा, तो पैगंबर की उम्र मुबारक थी 25 साल। तवज्जो है, क्या उम्र थी, 25 साल, ठीक है ना। एलाने रिसालत पैगंबर ने जब किया, उम्र है 40 साल, शादी हुई 25 साल में, 40 साल। अब 25 और 40 के दरमियान कितना फासला है, हैं? 15 साल का। अब जो कुछ होना है इस 15 साल में होना है, बड़े गौर से सुनिएगा। देखिए ये मेरा तालिब इल्माना जवाब है। कहा जाता है कि पैगंबर अकरम ने ऐलान नबूवत से 5 साल पहले 3 बेटियां 3 काफरों के साथ ब्याह दी। तवज्जो, अबू लहब के बेटों के साथ ब्याह दी जो काफिर थे, ज़ैनब की शादी अबुल आस के साथ, उम्मे कुलसूम की शादी अतबा के साथ, रुकैया की शादी उतैबा के साथ। मेरी बात पे गौर है,
सलावत तो पढ़ें। ऐलान नबुवत से 5 साल पहले तीनों बेटियां पैगंबर ने ब्याह दी और इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि शादी के 5 साल तक पैगंबर की कोई औलाद नहीं हुई। 5 साल तक पैगंबर की कोई औलाद नहीं हुई। और सबसे पहली जो विलादत है वो बेटे की है जिसका नाम है जनाब कासिम, उससे हुजूर की कुन्नियत कहलाई अबुल कासिम। तवज्जो है। वो जो तीन बेटियां ब्याह दी ऐलान रिसालत से 5 साल पहले, जैसे ही बेसत हुई और ऐलान रिसालत हुआ, उन काफिरों ने तीनों को तलाक देकर घर भेज दिया। यहां तक मैं समझा सका आपको? अब फिर गौर कर लीजिए। कुल अरसा दरमियान में है 15 साल। 5 साल जो हैं तक औलाद नहीं हुई, 15 में से 5 को नफी कर दें, 10 साल हो गए। पहला बेटा पैदा हुआ जनाब कासिम, तो कम से कम 2 साल दूध पिलाने के रजात के निकाल दें, लेकिन चलो 2 ना निकाले 1 निकाल दें, अब कितने बचे? 9 साल। सबका इत्तेफाक है कि बेसत से 5 साल पहले तीनों की शादियां कर दी पैगंबर ने। अब 9 में से 5 और निकाल दें, बाकी कितने बचे? 4। सारे उलमा मिलकर इस तालिब इल्म को समझा दें वो कौन सा ऐसे मौजजाना ताकत है कि 4 साल में बेटियां पैदा भी हों, जवान भी हो जाएं, निकाह भी हो जाए, शादी भी हो जाए और तलाक लेकर घर भी आ जाएं। तवज्जो है या नहीं है? अच्छा, और फिर एक बेटी की शादी में तो इतना एहतमाम कि पैगंबर फरमाते हैं जिस जिसने रिश्ता मांगा जनाब सैयदा का, फरमाया आज रात आसमान से एक सितारा उतरेगा, जिसके घर वो सितारा उतरेगा मेरा जानशीन भी वही होगा, उसी का फातिमा के साथ अक्त भी होगा। तवज्जो है या नहीं? सवाल ये पैदा होता है जो सबसे छोटी है उसके लिए इतना एहतमाम कि सितारा उतरा, बड़ी बहनों के लिए सितारा छोड़ छुआरा भी ना उतरा। है? मेरी बात पे गौर है या नहीं? और पैगंबर ने फरमाया जब के सितारा आएगा तो एक ने खड़े होकर पूछ लिया फातिमा की शादी का और आपकी जानशीनी का आसमान के तारे से क्या ताल्लुक है, फरमाया चुप हो जा, फातिमा भी अर्श की रहने वाली है, खिलाफत भी अर्श की शय है, एहतमाम अर्श से किया जाएगा। ये सुन के हर शख्स मुजस्समा तमन्ना और आरजू बना हुआ अपने अपने घरों में आ गया, घरों को सजा दिया, कालीने बिछा दी, गाँव तकिए लगा दिए, झंडियाँ लटका दी, लौबान का बखूर जला जला कर दिलों का बुखार निकाला, गुलदस्तों से गुलदान भरे, झूठी आरजू से दामा भरे, गलों में गुलों का हार पहना के किस्मत में हार थी, मगर उस सितारे का हकीकी हकदार आबिद शब जिंदादार एक शिकस्ता मुसल्ला बिछाए हुए तकबीर की हजार हजार आवाज बुलंद कर रहा था। आफताब आलमताब मगरबी घाटियों में छुप रहा था,
उरू से शब मगरबी हुजरे से निकल कर फजाए आलम में गुलगश कर रही थी। तारे निकल निकल कर कायनात के मांग में मोती भर रहे थे। कहकशां आसमानी पेशानी पे अफशां छिड़क रही थी। सैारे सितारे शादी की खुशी में इधर उधर रक्सां थे, सबाबित निगरां थे। कुतुब अपनी जमा हुआ जगह जमा हुआ देख रहा था। जन्नत इस शान से सजाई गई कि ज़ाफ़रान की घास लगाई गई। कौसर व तस्नीम से ज़मीन की आपाशी की गई। तूबा के सर्फ से रविश को आरास्ता किया गया। अंबर या शब के संग्रेज़ों से फर्श चुना गया। तख्ते फलक सितारों की चमक से दमक रहा था, जिस पर सवाबित के हीरे जड़े हुए थे, कहकशां के नक्श पड़े हुए थे। इतने में इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, ओ आसमान के नूरी कमियो, तुम्हारे सरदारों के घर शादी है, शादी का पैगाम लेकर कौन जाएगा? आफताब तू जाएगा? परवरदिगारा, शादियों को पैगाम लेकर वो कमी जाता है जो गरीब हो। मैंने तो 12 बुर्जों के आस्ताने पे जो माथा टेका, इतना नूर मिला कि आज तक कमी वाके ना हुई। माफ़ कर दिया जाऊँ तो बेहतर, अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं। अच्छा है सूरज तू नहीं जा तो बेहतर है। क्यों? इसलिए कि खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। लायक रहाफिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। फिर पूछा, महताब तू जाएगा? परवरदिगारा, जाने के लिए तो मैं हाजिर, मगर पता है काम भेज रहा है? महबूब की गली में भेज रहा है, जहां उंगलियां उठती हैं मुझ गरीब का सीना फट जाता है। माफ़ कर दिया जाऊं तो बेहतर का कोई बात नहीं। तेरा चेहरा क्यों जर्द हो गया? छाइयाँ क्यों पड़ गईं? नहीं जाना चाहता ना जा। फिर कौन जाएगा? जोहरा सितारे। जी परवरदिगारा, तू जाएगा? परवरदिगारा, भला यह भी कोई सवाल है? जहरा की शादी का पैगाम लेकर जोहरा ना जाए तो कौन जाएगा? अच्छा शाबाश, जा। जोहरा ने चलने की तैयारी की। नूर से मामूर था, खुशी के नशे में चूर था। आसमानी अम्मामा सर पर, तवक्कल का कमरबंद कमर में, हबलुल्लाह की रिस्मान साथ लिया। हलता के खान से ज़्यादे राह हमराह लिया। तवल्ला का मुसल्ला बगल में दबाया, तबर्रा का डंडा हाथ में लिया। फिर एक आवाज़ आई, रास्ता देखा हुआ है या किसी को साथ भेज दूँ? उसने कहा, या अल्लाह, तहतु सरा से लेकर अर्श उला तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक, इस घर के अलावा भी कोई रास्ता है? आसमानी राहगीर जितने गए इसी रास्ते से गए। तौरात गई इसी रास्ते से, जबूर गई इसी रास्ते से, इंजील गई इसी रास्ते से, नबूवत गई इसी रास्ते से, रिसालत गई इसी रास्ते से, इस्मत गई इसी रास्ते से, हिकमत गई इसी रास्ते से, इफ़त गई इसी रास्ते से, शुजात गई इसी रास्ते से, और बारे इलाह नाराज़ ना होना, तेरी खुदाई भी गई तो इसी रास्ते से गई। अब इमामत के दूल्हा की बारात जाएगी तो इसी रास्ते से जाएगी। फलक के रब्बुल इज्जत से जोहरा चला, बैत इस्मत से जहरा चली। सहन में फर्श बिछाकर ये देखने के लिए कि ये जोहरा सितारा मेरी किस्मत का सितारा किससे वाबस्ता करता है। ऊपर से आने वाली शय का हरेक को गुमान होता है मेरे सर पे आई। सारे खड़े देख रहे थे, वो आया वो आया वो आया। सितारे ने सोचा अगर अली के दर पे चला गया, दुनिया कहेगी एक्सीडेंट हो गया, अचानक आके गिर गया। तो उसने मदीने का किया तवाफ, तो दुनिया वालों को बताया, तुम्हारे लिए तवाफ की जगह खाना है काबा, अगरचे वो भी है अली की विलादत का, लेकिन हम आसमान वालों के लिए तवाफ की जगह है अहले बैत का घर। फ़ख्र से कहता, आलमीन के रसूल, तेरी रिसालत की मेराज ये है कि फर्श से अर्श पे जाता है, हम अर्श वालों की मेराज ये है अर्श छोड़ के अली के दर पे आए, हमें मेराज हो जाती।
और तवाफ करते करते जब ऐसा दरवाजा नजर आया जो सादा सा मकान था लेकिन लाखों वाइट हाउस कुर्बान हो रहे थे, कच्ची सी झोपड़ी थी, लाखों ताजमहल उसका तवाफ कर रहे थे, ऐसा घर नजर आया जहां फरिश्तों की दरबानी, इस्मत का हिसार, इफ्फत के हिजाब, तकवे का दौर, तात की कनात, तथीर का फर्श, खाके शफा का मुसल्ला, फातिमा की तस्बीह, पंजतन का पंचसूरा, तकबीर का माहौल, तकदीस की फ़ज़ा, मलकूत के हम हमें और शन चराग के मजमे की खामोशी। जब ऐसा घर नजर आया जहां इल्म आदम का जुमरुदी फर्श था, फोह में नूह की आबशारें थी, सब्र अयूब का सुतून था, जुहद यहिया के सख्त थी, जमाल यूसुफ की गुलकारी थी, हैबत मूसा का पहरा था, तरीक़त ईसा का जादा था, बाब मदीनतुल इल्म का दरवाज़ा था। और बुखारी साहब के लिए एक फ़िक्रा नज़र करता हूँ, विलायत की ईंटों पर इस्मत का पलस्तर था। फी बुयूत नज़र अल्लाह तुरफा का तोरा लटका हुआ था, पूरे उसकी महफिल का एहतमाम कर रही थी, मलक दर पे क़याम कर रहे थे, नबी जाके सलाम कर रहे, सलावात पढ़ दें। तवज्जो है या नहीं साहिबान? ये एक अनोखी बारात थी, अनोखी शादी हुई, मेरी बात पे गौर कीजिएगा जहाँ जहाँ बैठे। और खुदा की कसम वाहिद आले मोहम्मद का घराना है जहाँ की शादियाँ बड़े अनोखे अंदाज से हुई। तवज्जो है साहिबा? बानियाने मजलिस की तरफ से एक कार्ड मैंने देखा जो आज के मुतल्लिक है, जिसमें एक दूल्हा की शादी की ज़ियाफ़त की नियाज। अब लोग ये पूछते हैं क्या करबला में शादी हुई थी, क्या वलीमा हुआ था? तो मेरी बात सुन लें आप, लाख इख्तलाफ हो मुफस्सरीन में लेकिन अकली तौर पर एक बात मैं बता दूं आपको, खुदा की कसम हुसैन वो मज़लूम है जहां सारे कवानीन तोड़ दिए गए। बुखारी साहब, अरबों का एक कानून और दस्तूर था कि अगर मेहंदी लगे हुए हाथ के साथ दूल्हा दुल्हन किसी दुश्मन के पास पहुंच जाते थे तो पिछले कत्ल भी माफ़ कर देते थे कि भाई मेहंदी वाले हाथ के साथ आ गए हैं, हम पिछले कत्ल भी माफ़ करते हैं। हो सकता है फातिमा के लाल ने सोचा हो मैं भी मेहंदी वाले हाथ लगा कर देख लूं, शायद मेरे साथ आने वाले बच जाएं। बड़े गौर से सोचिएगा, और अगर नहीं भी हुई तो माँ के दिल की हसरत थी कि मेरा बेटा दूल्हा बने, उसकी ज़ियाफ़त मैं करूँ आने वालों की। चूंकि ये हसरत दिल में रही, हम ग़ुलामों ने अहद किया, बीबी आप फिक्र न करें, हम तेरे ग़ुलाम इस हसरत को पूरा करते रहें, इसी हसरत को हम पूरा करते हैं। मेरे भाइयों, चूंकि जनाब कासिम की माँ थी बेवा, तवज्जो है, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, बड़े गौर से सुने,
शौहर वाली जब बेटे की परवरिश करती है तो उसका अंदाज और होता है, और जब कोई बेवा अपने यतीम की परवरिश करती है उसका अंदाज और होता है। इसलिए कि उसका शौहर तो होता नहीं सर पे, बच्चा होता है यतीम, बच्चे की माँ होती है बेवा। बेवा अपने जहन में परवरिश करते करते लाखों ताजमहल बनाए रहती है कि बेवा हुई तो क्या हुआ, अब मेरा बेटा जवान होगा, मैं इसकी शादी करूंगी, इसकी दुल्हन आएगी, जैसी दुल्हन आएगी मेरे घर में फिर रौनक हो जाएगी, मेरा घर आबाद हो जाएगा। इसी तसव्वुर के साथ हसन की बेवा ने, उम्मे फरवा ने अपने यतीम की परवरिश की। दिल में यही ख्याल के जवान होगा ना, मैं इसकी बड़ी धूमधाम से शादी करूंगी। हर साल शादी का एक एक जोड़ा तैयार करती रही और जनाबे ज़ैनब के पास जाके कहती थी, बीबी इसका सेहरा तेरे हाथों से बंधवाऊंगी, वक्त गुजरता गया। जब 12 साल की उम्र को पहुंचा ना, तो एक दिन माँ ने मुंह चूम के कहा, मेरे लाल कासिम, जिंदगी का पता कोई नहीं, अब अगले साल तेरी शादी कर दूंगी। इसी तसव्वुर को लिए हुए सारे शादियों के जोड़े उठाए हुए करबला में आ गई। चौथी पांचवी को नहर से खैमे उखड़ गए। आज की तारीख आ गई सातवीं। आज दुनिया ने अनोखी शय ये देखी आज की तारीख में कि मेज़बानों ने मेहमानों का पानी बंद कर दिया। और अल आतश की आवाज़ें शुरू हो गईं, हत्ता के ये दिन भी गुजर गया। आशूर का दिन आया और अपने यतीम को बुलाकर कहा, जाओ अपने चचा जान से, इमाम ज़माना से पूछ के आओ, क्या कल के मरने वालों में तेरा नाम है। जैसे ही बच्चा बाहर आया ना, इमाम ने देखा, खुदा की कसम कासिम को देखते ही भाई हसन याद आ गए, गले लगाकर इतना रोए कि दोनों चचा भतीजे बेहोश हो गए। बेहोश को होश में लाने के लिए पानी छिड़कते हैं, पानी था नहीं, आंसुओं के छिड़काव होते रहे। अजीजाने मोहतरम, जब होश में आया ना बच्चा, तो कहता है, चचा जान इतना बतलाएं, क्या मरने वालों में मेरा नाम है। कहा, बेटा तेरी माँ बेवा है, तू उसका सहारा है, जा अपनी माँ के पास बैठ। कहा, ये आंखों में सुरमा माँ ने लगा के भेजा है, कंघी बालों में माँ ने करके भेजा है, माँ ही के कहने पर तो मैं पूछ रहा हूं। तो इमाम ना हाँ कहते हैं ना नहीं कहते हैं, बल्कि फरमाते क्या हैं कि बेटा तू तो बहुत बड़ा है, आशूर के दिन मरने वालों में
तो तेरे भाई असहर का नाम भी है। असहर का नाम सुना हाशमी गैरत चेहरे पर दौड़ गई, अंगड़ाई जो ली तो अब आके बटन टूट गए और कहते हैं चाचा जान ये मैं क्या सुन रहा हूं, क्या बेगैरत कौम खेमे में आ जाएगी? मेरा भैया अली असगर तो खेमे में है। इमाम ने फिर माथा चूमा, नहीं मेरे लाल, तेरी जिंदगी में किसी की मजाल है जो खेमे में आ जाए? और अजीजो बच्चा वहां से फिर मायूस होकर खेमे में आया और माँ से कहता है अम्मा मुझे फकीराना लिबास तो पहना दो। क्यों बेटा? आप कहानियों में सुनाया करती हैं ना, कोई करीब एक जगह है नजफ जहां मेरे दादा की कब्र है, मैं फकीर बनकर कब्र पे बैठ जाऊंगा और दादा से कहूंगा चाचा ने मुझे मरने की इजाजत नहीं दी। कहा बेटा तू फिक्र ना कर, मैं तुझे लेकर जाती हूं। इतनी गैरतमंद खातून थी कि शादी के बाद पहली दफा इमाम हुसैन के सामने जा रही थी और करीब जाकर कहती है कि आप इमाम हैं, आप बादशाह हैं, ये बेवा का तोहफा है, इसे मुस्तरद ना करें, इसे इजाजत दे दें। तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने बड़ा अजीब जवाब दिया, कहा मेरी बहन आप फिक्र ना करें, तमाम शहीदों में सबसे अनोखा शहीद तेरा बेटा हो। माँ ने फिर हसरत पूरी करने के लिए वो जो जोड़े लाई थी ना शादियों के तैयार करके, एक एक जोड़ा पहनाती गई और कई पहन कर मेरे सामने टहलो। वो यतीम शादी के जोड़े पहन पहन कर टहलता रहा, माँ देखती रही। और जब माँ ने इजाजत दी कि बेटा अब तुम भी जाओ, तो मीर अनीस ने लिखा कि माँ ने बाजू पकड़ के कहा बेटा तेरे बाप से मैंने वादा कर रखा था मैं उसके सामने शर्मसार न होने पाऊं। मुस्कुराते हुए जाना, हंसते हुए जाना, घबराहट को उस पास ना आने देना, फुरात के पानी को आंख उठा के भी ना देखना, ये कहकर उस शहजादे को रवाना कर दिया। और मीर अनीस ने क्या कहा, हादसे ऐसे कहाँ चश्मे जहाँ ने देखे, हादसे ऐसे कहाँ चश्मे जहाँ ने देखे, देर तक नक्श कदम बैठ के माँ ने देखा। माँ देखती रही, नक्श कदम नजर आते रहे, बेटा चला गया। हुसैन इब्ने अली ने गोद में उठाकर, इतना छोटा था, मेरे उस्ताद मरहूम ने लिखा है अपनी किताब में बनी हाशिम में दो बड़े नाजुक बच्चे थे, बड़े नाजुक मिजाज, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक शहजादा कासिम। इतना नाजुक मिजाज बच्चा था कि 13 साल का हो गया था मगर माँ अपने हाथ से लुकमा तोड़ के मुंह में डालती, क्या ऐसा ना हो कि ये लुकमा तोड़े तो उसकी उंगलियों में खराश ना आ जाए। बिठा दिया हुसैन इब्ने अली ने, रवाना हो गया। इतना छोटा और कमसिन था कि रकाबों तक पांव नहीं पहुंचते थे। अब मुझसे पढ़ा तो जाता नहीं लेकिन इबादत मुकम्मल करने के लिए इतना अर्ज कर दूं,
कि तरतीब वही रहे जहन में, कासिम घोड़े पे थे, हुसैन टीले पे थे, फिजा खैमे के दर पे थी, माँ खैमे के अंदर मुसल्ले पे थी, कासिम की नज़र पानी पर नहीं शहादत पर, हुसैन की नज़र कासिम पर, फिजा की नज़र हुसैन पर, माँ की नज़र फिजा पर। 10 मिनट के बाद बाजे बजने लगे, ढोल बजने लगे, शादियानों की आवाज़ें आने लगी, कासिम घोड़े से गिरे, हुसैन टीले पे गिरे, फिजा खैमे के दर पे गिरी, माँ सजदे में गिरी। या इलाही तेरा शुक्र है, और मेरी माएँ बहनें और मेरे भाई औरत वालों गौर से सुनना, चूंकि यतीम था ना और पाला था माँ ने, जब घोड़े से गिरने लगा है ना तो खैमे को मुंह मुड़कर कहता है, अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मैं गिर गया। माँ दौड़ी खैमे के दर पे, रुक गई। इमाम हुसैन जो गए हैं ना भतीजे को उठाने के लिए, तो फौज यजीद घबरा के भाग पड़ी। मशरिक के घोड़े मगरिब को, शिमाल के जुनूब को, जुनूब के शिमाल को, और ये यतीम नाजुक बदन कासिम घोड़ों की टापों के नीचे, जब कोई घोड़ा गुजरता आवाज देता, चचा जान, चचा जान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजमे को हटाते हुए भतीजे की लाश पे पहुंचकर क्या देखते हैं? दुआ करो खुदा किसी चचा को भतीजे का ये मंजर ना दिखाए। क्या मंजर देखा? मेरे 12वें इमाम ने फरमाया कि मेरा सलाम हो उस नाजुक मिजाज शहीद पर जिसकी दाई पसलियां टूट के बाई तरफ आ गई थी, बाई पसलियां टूट के दाहिनी तरफ आ गई थी। बड़े गौर से उस नाजुक बदन को देखते रहे, लाश उठाना चाहिए, सर उठाया तो पांव गिर गया, पांव उठाना चाहता थे सर गिर गया, कभी सीने की पसलियां गिर गई। तो जिस तरह उजड़े हुए बाग का माली टूटी हुई कलियां चुनता है, हुसैन ने अबा बिछा दी और कासिम के बिखरे हुए टुकड़े इकट्ठे करके अबा में रखकर गठड़ी बनाई, गठड़ी उठा के सर पे रखी, खैमे में आए, आवाज दी, अम्मा फिजा यतीम की माँ को बुलाओ। जैसे ही फिजा गई उम्मे फरवा के खैमे में, देखते क्या है, बीबी कभी इधर टकरा जाती है, कभी इधर टकरा जाती है, कभी यूं हाथ मारती है। कहा, बीबी मौला ने बुलाया है। कहा, जब से कासिम के गिरने की खबर मिली है ना, आंखों का नूर खत्म हो गया, मुझे खैमे का दरवाजा नजर नहीं आता। बाजू पकड़ के उम्मे फरवा का, फिजा लेके चली मौला के पास, बैठ गई और मौला से कहने लगी, यबना रसूल अल्लाह, क्या मेरे यतीम ने वफा नहीं की कि वफा का रिकॉर्ड तोड़ दिया? कहा, फिर उसकी लाश क्यों नहीं लाए? कहा, ले आया हूं। कहा, कहाँ है? जमीने करबला को ला को झटका लगा जब माँ के फैले हुए हाथों पर उस यतीम की लाश के टुकड़े गठड़ी में हुसैन ने रख दिए। और उसके बाद क्या किया? उस बेवा ने गठड़ी खोली, एक एक टुकड़े को आंखों से लगाया, माथे से लगाया, और पता है क्या आवाज दी? मेरी बहनें सुने, आवाज क्या दी? सैदानियों आओ, गैर सैदानियों आओ, आओ मेरे बेटे की शादी की मुबारकबाद दो, ये उसके टुकड़े नहीं है, सहरे की बिखरी हुई लड़ियां हैं, आओ मुझे मुबारकबाद दो, मेरे बेटे की शादी शहादत से हो गई।
शहादत से हो गई। हुसैन इब्ने अली ने फिर उस गठड़ी को लिया, मैदान में आए और कैसे किया उन्होंने, एक तरफ अकबर की लाश, एक तरफ गठड़ी को रखा, बीच में मजलूम करबला बैठ गए, एक हाथ कासिम के टुकड़ों पे रखा, एक हाथ अकबर की लाश पे रखा, अपनी जुल्फें फैलाकर आसमान को कहा, वाह और बता या अल्लाह मैं गरीब हो गया, या अल्लाह मेरा कुछ नहीं बचा, या अल्लाह मैं गरीब हो गया। आज चूंकि बानिये मजलिस की तरफ से वलीमे की न्याज का एहतमाम है, मैं अपनी बहनों से आज एक गुजारिश करूंगा कि जब अपने अपने घरों में जाओ, जमीन पे बैठ जाना, सर से दुपट्टा उतार देना और आवाज देकर कहना, हसन की बेवा, तेरे दूल्हा का बड़ा अरमान, हसन की बेवा, तेरे दूल्हा का बड़ा अरमान है। और मेरे अजीजों, दस्तूर क्या है कि दूल्हा को बारातियों में बिठाया जाता है। यह अनोखा दूल्हा था, यह अनोखी शादी थी। अब भी मीरन इसका एक शेर सुन लें, कहते हैं वो अनोखी रस्म ब्याह की, वो अनोखी रस्म ब्याह की कि जो करबला में ठनी रही, वो जो मेहंदी थी वो बनी रही, न बना रहा न बनी रही। वो जो मेहंदी थी वो बनी रही, न बना रहा न बनी रही। अल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत फरमाए। हुसैन इब्ने अली ने दुल्हा को ले जाकर गंजे शहीदा के बारातियों में सुला दिया। इससे ज्यादा कोई नर्म फिक्रा नहीं है मेरे पास। दुल्हा को गंजे शहीदा के बारातियों में बिठा दिया और वो मेहंदी वाली हाथ वाली जो दुल्हन थी, जिसको देखकर अरब कत्ल माफ कर देते थे, ये पहली दुल्हन है मेहंदी वाले हाथों की जिसके हाथ गर्दन से बंद। वो मेहंदी वाले हाथ गर्दन से बंधे रहे, वो चली गई, चली गई, न बना रहा न बने रहे। खुदा हाफिज भाई, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात।